कल हमने किया था OSPF और उसके अंदर बच गया था OSPF ओवर फ्रेम रिले। तो फ्रेम रिले करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास मान के चलो 3 ब्रांचेस हैं, R1 देन R2 देन R3 देन ओके। अब इन्हें हमें कनेक्ट करना है फ्रेम रिले से, तो ये दिख रहा है फ्रेम रिले स्विच रिलेयर यहाँ पे डाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक नंबर हमें बताना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर ये लेयर टू मतलब इथरनेट स्विच तो है नहीं, जब हमें यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके मैक पे भेज दें, यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके मैक पे भेज दें, मल्टी एक्सेस है ना, तो हमें लेयर टू के लिए यूनिकनेस चाहिए, तो मैक एड्रेस तो यहाँ होंगे नहीं, तो उसके लिए हमें एक DLCI नंबर देना पड़ता है। कितना देना पड़ता है? DLCI डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कह देंगे कि एक वैल्यू जाएगी कितना 102 का मतलब है R1 इज गोइंग टू R2 और वो जाएगी यहाँ के 201 पे। एक से दो जाना है तो नंबर यूज होगा 102, डन। दो से एक पे आना है 201, उल्टा। फिर ये कुछ भी हो सकता है, हमने इसलिए दे दिया ताकि हमें समझ में आ जाए, 103 और वो हो जाएगा 301। ये हो गया कि अभी ऐसा हो सकता है, 1-2 पे जा सकता है, 2-1 पे जा सकता है, 1-3 पे जा सकता है, 3-1 पे जा सकता है, ये हब एंड स्पोक हो गया, अभी कम्युनिकेशन ऐसा होगा। लेकिन हम चाहते हैं फुल्ली मैश, तो इनके बीच में भी बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 203 का मतलब इसके लिए, और यहाँ पे हो जाएगा 302। कैसा लगा? लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, इसको 202 दिया, कुछ भी दे दो बट एक नंबर देना पड़ेगा, यहाँ 111 222 333 444 555 666 कुछ भी दे दो, लेकिन 111 देंगे तो उधर भी तो ये तो एक नंबर है। अच्छा, ये तो मैं कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये तो ऐसे लिया है ताकि हमारी समझ में आ जाए। R1 से R2 जाना है, अब यहाँ मैं 99 और 90 100 भी ले सकता था, अब क्या उसका क्या मतलब निकला, वही कि 99 यहाँ पे यूज होगा, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। एक ऐसा नंबर लिया 102, R1 जाएगा 2 पे तो 102, समझ में आ गया ना DLCI, 102 मतलब R1 पर आ रहा है, ठीक है, वहाँ से आ रहा है 201 मतलब R2 आ रहा है 1 पे, 103 R1 जा रहा है R3 पे, 301 203 302, ठीक है ओके। फिर इस तरह हमने नंबर दे दिए, कुछ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ठीक है ओके। अब आ गया यहाँ पे, अब हमें देना है पोर्ट नंबर 1 से एक वैल्यू जाएगी कितनी 102, और पोर्ट नंबर किस पे जाएगी डेस्टिनेशन पोर्ट, यही होगा ना, हमें 3 पोर्ट चाहिए, 1 2 3, तो यहाँ पोर्ट नंबर 1 होगा, तो उसे कह दिया पोर्ट नंबर 1 से एक वैल्यू जाएगी कितने पे 102, पोर्ट नंबर 2 पे जाएगी कितने पे 201 पे, और क्या कर दिया ऐड, फिर पोर्ट नंबर 1 103 और फिर किस पे जाएगी वो 3 के 301 पे जाएगी, डन हो गया। फिर से सुन लो कि अभी तक हमने क्या किया है, हमने किया है कि पोर्ट नंबर 1 से वैल्यू जाएगी 102 2 के 201 पे, 103 3 के 301 पे, ये तो हो गया, ये दो साइड। हाँ, अब हमें 2 से करना है, 2 से जाएगी 203 और 3 के जाएगी 302 पे, हो गया, डेट हो गया पक्का। बस इसको क्या कर देंगे अप्लाई, ओके हो गया। तो आपने 3 पोर्ट ऐड किए थे, जैसे किए थे वैसे ही कर दो, सीरियल 1 2 और 3, हो गया। अभी फ्रेम रिले से कनेक्ट, अब ये फ्रेम रिले स्विच है, ये काम करना है सर्विस प्रोवाइडर ने, हमने नहीं, ये काम करेगा सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन बात ये कि हमें भी तो पता होना चाहिए कैसे है, डन डन ओके। इसका देखो, इसका एक्सेस हमारे पास नहीं होगा क्योंकि ये तो दूसरी कंपनी का, टेलीफोन कंपनी का, वो हमें क्यों देगी अपने हाथ में, ठीक है। तो उसके लिए फिर अब हम ये IP यूज़ कर लें, 192.168.101
1.1 यहाँ पे जैसा डिवाइस वैसा ही क्या यूज़ कर लेते हैं एंड 1.3 हो गया। अब उनका लेन यूज कर लेते हैं 192.168.1.1/24 हो गया। ओके अब क्या लिखना है इंटरफेस ये तो अप हो गया और ये कैसा है डाउन डाउन डन सीरियल डाउन। अगर स्टेटस होता एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन डाउन इसका मतलब शट डाउन डन। अभी यहाँ पे हम एक छोटा सा ओके अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि डन तो इसका मतलब है शट डाउन। ओके तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे MS Paint लिखते हैं या क्या है स्टेटस इन प्रोटोकॉल। ओके अगर लिखा है पहले तो होगा स्टेटस एंड दूसरा प्रोटोकॉल। अगर होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन डाउन तो प्रॉब्लम क्या है वो डन। दूसरा होगा इस तरह से डाउन डाउन इसका मतलब है L1 प्रॉब्लम ठीक है लेयर वन। फिर होगा आप अप डाउन का मतलब है L2 प्रॉब्लम और अप है फिर है L3 प्रॉब्लम। आया कुछ समझ में तो अप है ये तो ठीक है अप है अप डाउन है तो कैसा लिख रहा है आप ये याद रखना है तूने एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन डाउन इसका मतलब पूर्ण शट डाउन है। डाउन डाउन है तो लेयर वन प्रॉब्लम है अप डाउन है तो लेयर टू प्रॉब्लम है अप है फिर भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो लेयर थ्री प्रॉब्लम है डन। ओके तो अब हमें क्या करना है इसका सॉल्यूशन शट डाउन है तो उसको क्या कर देंगे नो शट हो गया। ओके L1 में हम देखेंगे जो मिटाना होता है वो तो ये मिटाता नहीं है। ओके डाउन डाउन के लिए होगा आपका नो शट ठीक है। इसमें हम चेक करेंगे केबल्स डाउन डाउन में केबल चेक ठीक है। लेयर टू में हम कुछ चीजें चेक करेंगे सबसे पहले क्लॉक रेट इनकैप्सुलेशन ठीक है
एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आप कीप अलाइव्स वगैरह भी चेक कर सकते हो, पहला क्लॉक रेट, दूसरा एनकैप्सुलेशन, तीसरा ऑथेंटिकेशन, चौथा कीप। और जब ये लेयर थ्री प्रॉब्लम, इसमें हम चेक करेंगे आईपी एड्रेसिंग, वो नहीं है तो फिर हम एल फोर की तरफ बढ़ जाएंगे, एल टू फोर 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 लेयर फोर की तरफ बढ़ जाएंगे, ए सी एल वगैरह तो नहीं, ठीक है। ओके, तो हमारा किससे इनकाउंटर हुआ है प्रॉब्लम, अप डाउन, इसका मतलब क्या है एल टू प्रॉब्लम। ओके, क्लॉक रेट तो डीएनएस में हम नहीं देते, बाय डिफॉल्ट उठा लेता है, फिर क्या चेक करना है, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन। ओके, अब मेरे को बताओ हम क्या यूज कर रहे हैं, फ्रेम रिले। ओके, आर वन पे आए, यहाँ पे देखेंगे इंटरफेस शो इंटरफेस 0/0 बाय डिफॉल्ट इनकैप्सुलेशन क्या है, एचडीएलसी। और हम यूज क्या कर रहे हैं, फ्रेम रिले, नहीं क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस 0/0 इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, नहीं हाँ, जैसे ही आपने दिया क्या हो गया, देखो सीधी सी बात है, वन पर्सन इज स्पीकिंग हिंदी, अनदर स्पीक पर्सन इज स्पीकिंग इंग्लिश, तो नहीं होगा, नहीं। दोनों को सेम लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। ये कह रहा है आई विल फॉलो द प्रोटोकॉल, व्हाट, फ्रेम रिले, ये कह रहा है मैं एचडीएलसी यूज करूँगा, कैसे काम चलेगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे फ्रेम रिले कन्फिगर किया, तो ये प्रोटोकॉल, ये आपका स्टेटस क्या आ गया, आप आ गया। सेम कमांड्स हमें क्या करनी है, सब पे डालनी है, क्योंकि ऑल राउटर्स आर कनेक्टेड विद फ्रेम रिले नेटवर्क। डन, डन हुआ, हो गया। अब आप यहाँ पे OSPF चला सकते हो, तो किस तरह चलाएंगे OSPF, टू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्या लिखेंगे, राउटर, क्या लिख देंगे, OSPF 100 नेटवर्क 192.168.1.0 उसका मास्क एरिया 0.0, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हो इस तरह से, जो ये राउटर्स हैं और इनका जो ये है वेन, ये ले वाला लिंक है, कौन सा, वेन लिंक, ठीक है, इसको आप एरिया 0 में कर सकते हो। ये क्या है राउटर, अब बताते हैं, ये हमने लॉजिकल बाउंड्रीज क्रिएट कर दी बस, पहले तो कल तो एक ही एरिया रखा था, अब एरिया 0, डन हुआ, फिर इसको कर दिया एरिया 1, इसको कर दिया एरिया 2, और इसको कर दिया एरिया 3, डन हुआ। तो अब जो 1.0 सबनेट है वो तो एरिया 0 के अंदर है, और उनके लेन एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3, जब थ्योरी की थी तब आपको बताया था कि दो तरह के 0 एरियाज होंगे, रेगुलर बैकबोन एरिया और रेगुलर एरिया, और रेगुलर एरिया किससे कनेक्ट होने चाहिए, बैकबोन से, 1.0 से कनेक्टेड है, 2.0 से कनेक्टेड है, 3.0 से कनेक्टेड है, डन। तो इसकी एरिया आईडी चेंज कर देते हैं, कितना एरिया 1 कह रहा है, OSDF ने इस सबनेट को एरिया 0 से 1 में कर दिया है। ओके, और फिर कितना था अपना 1.0 सीरियल था ना, OSPF चलाया, OSPF चलाने के बाद हमने क्या किया, 101 को तो 1 में डाल दिया, 1.0 को 0 में डाल दिया। ओके, फिर हम R2 पे राउटर OSPF 100 फर्स्ट नेटवर्क इज 1.0, उसको रखना है एरिया 0 में, अनदर नेटवर्क है उसको रखना है आपने 1.2, डन। ओके, फिर हम क्या करते हैं, ये
ये कमांड एरिया टू पे कॉपी कर लिया ओके और यहां पेस्ट किया पूरा पेस्ट नहीं किया एरिया 01.0 तो रहेगा उसमें फिर है कितना 3 और 3 को डाल दिया एरिया 3 में ठीक है हमने ओएसपीएस चला दिया सभी पे एडवर्टाइज कर दिए ओके पिंग 192.168.1.2.1.3 देन खुद को पिंग नहीं कर रहा ठीक है खुद को पिंग नहीं कर रहा क्यों एरिया 0 का नहीं नहीं 0 का नहीं एक्चुअली इसको 2 डीएलसी आई है इसे नहीं पता कि खुद के लिए कौन सी उठानी है डन हां तो कोई दिक्कत नहीं आप जाओ 1.2 करो 3 हो गया यहां पे आओ 2 पे जाओ 1.1 एंड 1.3 डन 3 पे जाओ पिंग 192.168.1.1.2 हो गया जी पिंग हो रहा नेबरशिप नहीं पा रहा क्योंकि जब हम वो एस्केप चलाते हैं ना शो आईपी वो एस्केप इंटरफेस 0/0 डन है तो बाय डिफॉल्ट कौन सा है जब भी हम फ्रेम रिले पे वो एस्केप चलाएंगे फ्रेम रिले पे ओएसपी हां फ्रेम रिले ही है ना ये हां क्या चला है ओएसपी कुछ भी नहीं किया नहीं। फ्रेम रिले पे जस्ट ओएसपी कॉन्फिगर किया तो कैसा नेटवर्क टाइप है नॉन ब्रॉडकास्ट का मतलब है नॉन ब्रॉडकास्ट का कि नो ऑटोमेटिक नेबर डिस्कवरी नो ऑटोमेटिक नेबर डिस्कवरी यानी ऑटोमेटिक नेबरशिप नहीं बनेगी नहीं तो हमें बनानी पड़ेगी ना मैनुअली हां तो इसको बताना पड़ेगा तेरा नेबर कौन है 1.2 अच्छा इसको यार को बताना पड़ेगा तेरा नेबर है 1.2 एंड 1.3 इसको बताना पड़ेगा तेरा नेबर है ये और ये तो हमें जाना है आदमिन पे ओएसपी 100 जब भी ओएसपी फ्रेम रिले पे ओएसपी चलाएंगे बाय डिफॉल्ट नेटवर्क टाइप होगा नॉन ब्रॉडकास्टर वहां पे नेबरशिप ऑटोमेटिक नहीं होगी तो हमें मैन्युअली देनी पड़ेगी कि नेबर हो सकता है कौन 1.2 नेबर हो सकता है 1.3 फिर किधर जाएंगे 2 पे या लिखेंगे राउटर ओएसपी 100 नेबर होगा 1.1 एंड 1.3 फिर कहां जाना है आपने 3 पे जाना है यहां पर क्या राउटर ओएसपी 100 नेबर इज 1.1 एंड 1.2 हो गया जी यहां पे 2 3 1 2 3 2 1 3 एंड 1 2 दे दिया जैसे आपने दिया तो यहां पे आपने देखा था इसकी नेबरशिप बन गई किससे बन गई नेबर देन अभी बन सभी की नेबरशिप बन गई अब चलेंगे यहां पे करेंगे शो आईपी ओएसपी नेबर शो आईपी ओएसपी नेबर ओके फिर शो आईपी ओएसपी नेबर ओके एंड शो आईपी ओएसपी नेबर डन गॉट इट और नॉट तो आपको बताया था कि भैया जब भी ये होगा जब भी ओएसपी नेटवर्क को अब ये मल्टी एक्सेस नेटवर्क है या नहीं है बिल्कुल उसमें DRBDR बनेंगे डीआरबीडीआर पता है ओके तो जब हमने कॉन्फिगर किया तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है R1 पे अब DR का क्राइटेरिया क्या है हायर प्रायोरिटी ओके अब जब हायर प्रायोरिटी हुई तो इसने इससे कम्युनिकेशन किया ठीक है तो प्रायोरिटी तो सबकी सेम हो गई सबकी प्रायोरिटी क्या होगी सबकी सब सेम हो गई डन हुआ तो फिर क्राइटेरिया राउटर आईडी पे तो राउटर आईडी पे आया ना पहले तो हाईएस्ट लूपबैक होगा लूपबैक तो है नहीं तो हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस इसका 101 इसका 102 इसका 103 तो ये बड़ा हो गया तो क्या कह रहा है कि भैया दिस 103 राउटर है डीआर है क्या है डीआर और किससे लर्न है डन हुआ कि ही इज द डीआर डन ओके फिर हमें चेक करना था बीडीआर पीडीआर चेक करने के लिए हम किस पे गए फिर पे ओके बीडीआर कौन बना बैठा है 101 हां क्योंकि उस प्रायोरिटी उतना नहीं है ना नहीं प्रायोरिटी उस हिसाब से तो ये बनना चाहिए था ये डीआर और ये बीडीआर बनना था लेकिन नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है ये बन गया डन ऐसा भी हो सकता है रूल के हिसाब से तो क्या कहता है हायर प्रायोरिटी तो सबकी सेम हो गई हायर राउटर आईडी पे डीआर ये बन गया इससे छोटा ये बीडीआर बनना चाहिए था लेकिन जरूरी नहीं है कि यही बने जब इलेक्शन होगा उस टाइम पे हो सकता है इसने लेट रिस्पांस दिया हो तब तक इनकी नेबरशिप बन चुकी हो अच्छा ऐसा भी होता हां तो
इस केस में क्या करें, तो कुछ नहीं, ये आपका क्या हो गया BDR, BDR अगर आप चाहते हो कि नहीं क्राइटेरिया दोबारा सेलेक्ट हो तो कमांड चलाओ क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस यस, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस यस, क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस यस, नहीं। जब आपने ये करना है ना तो DR और BDR पे ही चलानी है। सभी की नेबरशिप टूट गई, ओके अब वो दोबारा से बनेंगे, अभी वो देखेंगे तो नहीं देखेंगे क्या देख बनेगा ना, बनने दो पहले, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना। ओके जैसे ही हमने क्लियर कर दिया यहाँ पे तो क्या हो गया, अब ये एक दूसरे को हेलो भेजेंगे, ये कहेगा मैं मतलब 1.1 प्रायोरिटी 1, 1.2 प्रायोरिटी 2, 1.3 प्रायोरिटी 3, या फिर ये राउटर आईडी यूज करेगा क्या 101.1 प्रायोरिटी 1, 102.1 प्रायोरिटी 1, 103.1 प्रायोरिटी 1, तो पहले कर लेते हैं। अटेम्प्टिंग अटेम्प्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, सेंडिंग हेलो, कमांड क्या चला, नो क्लियर, नो नहीं क्लियर, क्लियर आईपी ओएसपी, हो गया, बन गई नहीं मेंबरशिप, आर वन पे जाओ, शो आईडी, ओके बीडीआर कौन बन गया, वही 102 बन गया, 102 और शो आईडी ओएसपीएल नेबर डीआरएस बन गया 101 बनना चाहिए थे, ये बन गया। ओके अब क्वेश्चन आता है कि हमें इसको क्या बनाना है, जब वो एस पी एफ चलाएंगे हो सकता है कोई भी कुछ भी बन जाए, देन क्योंकि आपके सामने, अब मैं चाहता हूँ ये डी आर बने और ये क्या बने, बी डी आर बने, डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बनाना है डी आर, इसको क्या बनाना है बी डी आर बनाना है, डन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को बनाना है डी आर, तो 2 को बनाना है बी डी आर, ठीक है, तो इंटरफेस 0.0/0 आई पी ओ एस पी एफ प्रायोरिटी, प्रायरिटी बोली थी आपको 0.02 हाँ 2 की पावर 8, तो हमने इसको डी आर बनाना है तो कितनी कर दी 255 और इसको क्या करना है बी डी आर बनाना है, तो क्या लिखेंगे इंटरफेस 0.0/0 आई पी ओ एस पी एफ प्रायोरिटी, इसको 200 कर दें, हायर प्रायरिटी ये हो गया, ये तो कर दिया 255 मैक्सिमम, और ये क्या कर दिया 200, बस इस प्रायोरिटी पे तोड़ेगा ना ज़्यादा इसकी कम इसकी, और फिर से क्या कर देते हैं अब क्लियर आईपी, ओके याद रखना जिसे डीआर बनाना है उस पर प्रायोरिटी चेंज कर दो, कर दिया, जिसे बीडीआर बनाना है उस पर भी प्रायोरिटी चेंज कर दो, कर दिया, अब हमें क्या करना है, जो जिसको बनाना है उसकी प्रायोरिटी हायर करके और डीआर और बीडीआर पे ओएसपीएफ को रिस्टार्ट करो, तो आर वन पे कर दो क्लियर आई पी ओ एस पी ए प्रोसेस यस, और बी डी आर बना है उस पे क्या कर दो, ये करना है, अगर जब भी ओ एस पी ए चलाएंगे तो कोई भी डी आर और बी डी आर बन सकता है, तो जो आपको चाहिए उसकी प्रायोरिटी चेंज कर दो,
जो चाहिए उसकी प्रायोरिटी हायर कर दो और DR और VDR पे OSPF की प्रोसेस को रिस्टार्ट कर दो। अच्छा, जो पहले मैनुअल बना ऑटोमेटिकली, देखो ऑटोमेटिकली कोई भी बन सकता है। मैं चाहता हूँ ये DR हो, बना दिया, प्रायोरिटी हायर कर दी, ये VDR हो, प्रायोरिटी हायर कर दी, मान के चलो 10 राउटर है इस तरह से, मैं चाहता हूँ 2 और 3 को, तो क्या करेंगे, जो DR चाहिए उसकी प्रायोरिटी हायर करो, जो VDR चाहिए उसकी प्रायोरिटी उससे कम कर दो, और जो करंट में DR और VDR है उनसे इलेक्शन रिस्टार्ट कर। थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, वेट, क्योंकि तुमने दिखाया था यहाँ पे शो IGOSPF इंटरफेस 0/0, यहाँ जो हेलो इंटरवल है ना इसका 30 सेकंड है। अच्छा, कितना है? 30 सेकंड, तो काफी टाइम लेता है। डन, डेट भी ज्यादा है उसका। हाँ, डेट तो 3 टाइम होता ही है, 140 और 3। इसकी कितनी कर दिया, 250। हो गया, बन गई नेबरशिप, ये देख, शो IGOSPF नेबर। ओके, आर वन, अच्छा हाँ, 103 DR। अभी भी कौन बन गया इस बार, है ये बन गया, तो इस बार केवल इस पे ही कर दो, IGOSPF प्रोसेस। ऐसे तो हमने प्रायोरिटी चेंज की थी इसकी, शो रनिंग कॉन्फिग इंटरफेस 0/0 IGOSPF प्रायोरिटी 200। हुआ नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। या तो हो जाएगा, नहीं तो हम कर देंगे, हम किस तरह कर देंगे, प्रायोरिटी बढ़ा के। डॉटर क्या, DR अदर्स। होता ना टू वे एक्सटार्ट एक्सचेंज, अभी तो टू वे के अंदर ही है, DR VDR इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है। आगे अभी हो गया 102 VDR 103 DR, ये हो गया DR, हो गया VDR, VDR। तो वही बताया है कि पहले तो हायर प्रायोरिटी होती है, देन हायर राउटर आईडी होती है, और ऐसा हो सकता है कि कोई भी बन सकता है, जैसे कि अब आपके सामने है, तो जो आपकी DR चाहिए उसकी प्रायोरिटी बढ़ाओ, जो VDR चाहिए उसकी प्रायोरिटी बढ़ाओ, और जो करंटली DR और VDR है उन पे क्या कर दो, क्लियर IGOSPF प्रोसेस कर दो। डन, और ये तब तक करते रहो जब तक कि आपका डिजायर्ड राउटर्स DR और VDR ना बने। डन, तो नेबरशिप भी हो गई, DR VDR भी क्राइटेरिया हो गया। अब रही बात रिजेक्टिविटी, 1.1 सोर्स में लेन पिंक कर गया हमने, कहा वह उस 103 को पिंग करो और सोर्स में मेरा लेन लेके आओ, क्लियर है। मेरा अगर मेरा राउटर स्विच पीसी से, तो अगर मेरा गेटवे वहां तक पहुंच सकता है तो मेरा पीसी भी वहां तक पहुंच सकता है। सेम 3 के लिए भी, हाँ। तो दिस वाज योर OSPF। नहीं, आगे भी है, बट इसमें अभी इतना, क्योंकि ये ज़्यादा करा देंगे तो ज़्यादा हो जाए, थोड़ा थोड़ा कर।